कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय यात्रा पर आज अमेरिका पहुंच गए हैं। इस दौरान सैम पित्रोदा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने वहां उनका स्वागत किया। विदेश में अक्सर मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी का अमेरिका पहुंचने के बाद एक बड़ा बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते पर अपना पहला वक्तव्य दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए सार्थक एवं गहन बातचीत करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, अमेरिका के टेक्सास प्रांत के डलास में भारतीय प्रवासियों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों ने गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया, जिसमें मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ। अमेरिका आगमन की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और गहन जो है बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी और उत्साह से स्वागत किया गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो है अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पिछले हफ्ते कहा था कि राहुल गांधी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उन्हें कैपिटल हिल अमेरिकी संसद भवन में जो है विभिन्न लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने का मौका मिलेगा। पित्रोदा ने कहा था कि राहुल गांधी राष्ट्रीय प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे, वह थिंक टैंक के लोगों से मिलेंगे और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में लोगों से मुखातिब होंगे, जिसका वाशिंगटन में ही उतना ही महत्व है। राहुल 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। यह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने के बाद उनकी पहली अमेरिकी यात्रा है। इस दौरान वह जो है जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और टेक्सास यूनिवर्सिटी में लोगों के साथ संवाद करने के साथ वाशिंगटन और डलास में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने।